अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग, क्या हाल हैं आप सब के। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल में जो कि है मोनीज एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल। हाँ जी, तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ बेसन का हलवा और मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है तकरीबन 1 कप, उसको मैंने पिघलने के लिए रख दिया है। साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 कप बेसन और इसके साथ मैंने ले लिए कुछ ड्राई फ्रूट्स। अच्छा, इसको आप सजा सकते हैं, अपने पर्सन का ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मेरे पास बादाम थे और पिस्ते नहीं थे, मेरे पास बादाम और काजू थे जिन्हें मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है। इसके अलावा मैंने ले लिया है ये वाले 2 कप जो है मैंने वो ले ली है जैसे कहते हैं चीनी, और बस अब मैं बेसन को भूनूंगी अच्छे से। अच्छा, आप लोगों ने अगर इसकी रेसिपी देखनी है, मैं फिलहाल आप लोगों के साथ रेसिपी तो नहीं शेयर कर रही हूँ, पर वैसे ही मैं ब्लॉग बना रही थी तो मैंने कहा चले ब्लॉग बना रही हूँ तो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। लेकिन इसकी रेसिपी अगर आपने देखनी है अच्छे बेसन के हलवे की और अच्छी अमाउंट में, तो आप लोग जाके जो है वो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी कम्प्लीट डिटेल रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर डली हुई है। तो बस मैं इसको बाकी का प्रोसीजर करूँगी और फिर बनने के बाद जो है वो मैं आपको इसकी फाइनल शक्ल दिखाऊँगी, तो आप रेसिपी चेक कर सकते हैं। अगर आप किसी ने नहीं देखी थी तो मेरे चैनल पे बेसन के हलवे की रेसिपी डली हुई है, तो वो आप वहाँ से जाके देख लें। बेसन का रंग यहाँ पर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया और बड़ी सोंधी सोंधी सी जो है वो खुशबू आने लगी है, और जब ये सोंधी सोंधी खुशबू बढ़कर पूरे घर में फैल जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका जो बेसन है वो अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसे मज़ीद भूनूंगी। जी, तो इस वक्त इतनी ज़्यादा सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई है ना किचन में कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तो बस ये इसको मैं जल्दी जल्दी भून रही हूँ। हलवा जहाँ दबिया बना रहे हो, ये देखिए एकदम से लगना शुरू हो जाता है, तो इंसान को सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना वो पेशेंस की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा। मुसलसल आपको हिलाना पड़ता है, मुसलसल आपके जिसे कहते हैं ना बाजुओं की एक्सरसाइज होती है, तो इस तरह से है। अब इसको मैं भून लूँगी जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा। हाँ जी, तो अब ये आप कलर देख सकते हैं, पहले जो था वो वाइट वाइट था, वाइटिश कलर था, और अब जो है वो ये भून कर जो है बिल्कुल ये जो मेरा लैडल था लकड़ी का इस कलर का ये हो चुका है। अच्छा, तो अब मैंने इसको जो है वो अच्छे से छान लिया था हलवा बनाने से पहले बेसन को, और अब ये देखें आप अच्छे से कितने अच्छे से ये भून चुका है और बहुत ही सोंधी सोंधी खूबसूरत सी खुशबू आ रही है। अब इसमें जो है मैं इस स्टेज पर ऐड कर दूंगी क्रीम, और क्योंकि ये भून चुका है, और इसमें थोड़ा सा मज़ीद घी डालूंगी थोड़ा सा ताकि ये लिपट जाए, और इसमें फिर मैं ये शुगर ऐड करके तो इसे तेज़ी से मिक्स करके जो है वो फिर अच्छे से भूनने के बाद चूल्हे से हम थोड़ा थोड़ा चीनी करके थोड़ी थोड़ी सी डालते जाएँगे चीनी इस तरह से, और इसको मिक्स करते जाएँगे जब इसका कलर जो है पूरा वापस रिटेन नहीं हो जाता। ठीक है, तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये वाइट वाइट जो आपको नज़र आ रहे हैं सारी चीनी मिक्स हो जाएगी, और चीनी मैंने पीस ली थी, पाउडर कर ली थी, आप देख सकते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हलवा तकरीबन तैयारी की तरफ है, और हलवा तैयार होने की सबसे बड़ी निशानी होती है एक तो ये कि हलवा जो है वो अच्छे से जो है वो लिपटना शुरू हो जाता है अपने आप में खुद ही, और दूसरा जो है वो सर्फेसिस को और साइड्स को जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है इस तरह से। तो ये हलवा तकरीबन रेडी है, बस अब इसे मैं सेट करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तेल जो है वो ऊपर आ गया है, तेल या घी जो भी आपने डाला है वो इस तरह से ऊपर दिखना शुरू हो जाएगा, और बस हमारा हलवा रेडी है। इसे अब जो है मैं सेट करूँगी डिश में, और ये पतला भी हो जाता है थोड़ा बहुत ना, तो इसको जैसे ही चीनी पिघलती है तो पतला सा हो जाता है, तो अब इसे मैं डिश में सेट करूँगी, ऊपर से गार्निश करूँगी और इसके हम स्लाइसेस काट लेंगे। तो हमारा हलवा हो गया है तैयार, और ये भून के कितने खूबसूरत कलर का हो गया आप लोग देख सकते हैं, और इसे मैंने इस तरह से डिश में सेट कर दिया है, और ऊपर मैंने इसके जो है वो इस तरह से गार्निश कर दिया है पिस्ता बादाम काजू के साथ, आप कर सकते हैं। वैसे इस पर सबसे अच्छी जो गार्निशिंग इसकी लगती है ना नट्स की, वो होती है पिस्ते और बादाम की, तो मेरे पास पिस्ते नहीं थे तो मैंने काजू और बादाम से इसको सेट कर दिया है, और अब मैं इसके स्लाइसेस काट लूँगी, और स्लाइसेस काटने के बाद भी मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये हमारा हलवा यहाँ पर बन के तैयार हो चुका है। तो 10 to 15 मिनट्स बाद जब हलवा ठंडा हो गया था तो मैंने उसके जो है वो स्लाइसेस इस तरह से क्यूब्स में काट लें, आप कोई भी शेप में काट सकते हैं और उसको अलाइन करके किसी भी तरह से आप काट सकते हैं, और इसी को जो है आप लड्डू भी बना सकते हैं। लेकिन लड्डू बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि गरम गरम जो इसका मटेरियल होता है उसके गरम गरम जो है वो आपको रोल कर लेंगे आप, तो वो लड्डू बन जाएंगे, और उसको आप जो है वो डेसिकेटेड कोकोनट और क्रश हुए हुए पिस्ताशियोस जो होते हैं पिस्ते जो होते हैं उसके पाउडर में जब आप रोल करेंगे तो वो भी उसके ऊपर क्लियर आ जाएगी। यहाँ पर मैंने पिस्ता बादाम और काजू से गार्निश किया था, और यहाँ पर अब मेरा हलवा जो है वो मज़े से बनकर रेडी है। तो आप भी बनाएं, इन्जॉय करें, और कंप्लीट रेसिपी अगर डिटेल में चाहिए आपको ज़्यादा तादाद में ज़्यादा क्वांटिटी के साथ, तो वो भी मेरे चैनल पे है जो कि मैंने और हिना भाजी ने मिलकर बनाया था, तो वो भी आप जो है वो जाकर देख सकते हैं।
और वैसे भी सर्दियों की सौगात होती हैं ये गरम गरम हलवे, गजरेले, खीर, सेवइयों का जरदा वगैरह। तो आप भी बनाए और सर्दियों को एंजॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा व्लॉग, छोटा सा व्लॉग था, एंजॉय किया होगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।